This is not a regular range test. This is range test plus review. Hero Vida V1 Pro, one of the most practical scooters जो अभी EV market में है. IDC range of this scooter is 165 kilometers. लेकिन जब हमने said start किया था with 100% of charge, dashboard दिखा रहा था कि 114 kilometers of range ही possible है. लेकिन असली में कितना range आएगा? Because so far already range बहुत जल्दी drop हो रहा है. So far हमने 7.7 किलोमीटर चलाया and 90% of charge बचा है. At this rate तो हमको लग रहा है कि 77-80 किलोमीटर of range ही आ सकता है, लेकिन इस ride हम पिलियन के साथ करने वाले हैं. पिलियन के साथ तो range fluctuate होना चाहिए, range जितना दिखा रहा है उससे कम आना चाहिए. इस स्कूटर का बिहेवियर कैसा है आज देख लेंगे. ड्राइव करते करते बीच बीच में रेंज अपडेट देता रहूंगा. फॉर एवरी रेंज अपडेट, स्कूटर में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, प्राइस कितना है, क्या इज इट एक्चुअली वर्थी और नॉट, सारा चीजें हम डिस्कस करते करते ड्राइव करेंगे. अभी हम टूवर्ड हाईवे जा रहे हैं एंड रूल्स ऑफ द गेम टुडे इज हम इको मोड में ही चलाने वाले हैं, वो भी द मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल इन इको मोड में चलाने वाले हैं विद पिलियन एंड देखते हैं रेंज कितना आएगा. सो फार द स्कूटर इज एक्सट्रीमली साइलेंट, मतलब एक बहुत हल्का सा वाइनिंग साउंड है जो एथर से बहुत कम है एंड ओला आई क्यूब से थोड़ा लाउड है. लेकिन दिस फील्स थोड़ा सा एक कंफर्टेबल साउंड, ऑल्सो एक वेरी प्रेजेंट साउंड है, नॉट वेरी अनोइंग सा साउंड नहीं है जैसे एथर में होता है. इसका डैशबोर्ड मुझे बहुत पसंद आया सो फार. स्क्रीन ब्राइट है, अच्छा है. उससे ज्यादा अच्छा ये है कि यहाँ पर साथ साथ में स्पीडोमीटर भी दिखता है एंड ट्रिप इन्फॉर्मेशन भी दिख रहा है. यहाँ पर जो बार दिख रहा है, यहाँ पर जिस वर्टिकल बार, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कंजम्पशन एंड रीजनरेशन. जैसे रिवर इंडी में भी था ऑन द डैशबोर्ड, मैंने इस वीडियो में बताया था कि ऑन द रिवर इंडी डैशबोर्ड देर आर टू बार ऑन द डैशबोर्ड. एक दिखाता है बैटरी लेवल, दूसरा दिखाता है पावर कंजम्पशन. इस बार पे आधा से ऊपर गया तो वी आर एक्सेलरेटिंग एंड वी आर कंज्यूमिंग पावर. जैसे मैं छोड़ देता हूँ, दिस बार विल स्टार्ट टू कम डाउन, इंडिकेटिंग कि ये रीजनरेट हो रहा है. अभी 87% है डैशबोर्ड दिखा रहा है 90 किलोमीटर आ सकता है. एको मोड के टॉप स्पीड में ही रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है. मुझे डाउट हो रहा है कि क्या 100 किलोमीटर भी आएगा कि नहीं. रेंज अपडेट, सो फार हमने 23.8 किलोमीटर चलाया, 70% ऑफ चार्ज बचा है. रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है. डैशबोर्ड बता रहा है कि 77 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता है, मेकिंग इट टू समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर ऑफ रेंज. लेकिन मुझे लग भी नहीं रहा कि 100 किलोमीटर आएगा, बिकॉज एट दिस रेट 70% ऑफ चार्ज में 24 किलोमीटर मतलब, एट दिस रेट आई थिंक समवेयर अराउंड 80-85 किलोमीटर ऑफ रेंज ही पॉसिबल है. दिस आई डिडंट एक्सपेक्ट वेरी वेरी क्विक रेंज ड्रॉप, वो भी जस्ट इको मोड के मैक्सिमम स्पीड में. सो फार हमने ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर से स्कूटर को चला रहे हैं. सो एक बार पिलियन को पूछेंगे राइड कंफर्ट कैसा है. सो राइड कंफर्ट आज कैसा है? सो फार ठीक है. ओके सीट कंफर्ट एंड द पोस्चर सीम्स फाइन. रोड्स गंदा होने पे भी इट इज नॉट दैट इनकन्वीनियंट राइड, बट इन कंपैरिजन विद ओला S1 Air एंड ओला S1 X दिस स्कूटर फील्स बेटर. ओके एज अ राइडर मेरे लिए भी द सीट कंफर्ट फील्स वेरी कंफर्टेबल सो फार. लेगरूम काफी स्पेशियस है, सीट्स ज्यादा हार्ड नहीं है एंड ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मतलब फील्स वेरी इन द राइट स्पॉट. रोड्स गंदा भी हो थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा यू फील द बैड रोड बट नॉट मच, बिकॉज इसका सस्पेंशन भी थोड़ा सॉफ्ट है. आई थिंक कोस्टिंग रीजनरेशन भी स्टार्ट हो चुका है, मैंने एक्सेलेरेटर छोड़ दिया, कोस्टिंग रीजनरेशन हुआ है. अभी ऑलमोस्ट हम हाईवे के पास पहुंच गए हैं. जैसे वहां खाली रोड मिल जाएगा ना, राइड मोड में स्पोर्ट्स मोड में भी टॉप स्पीड स्कूटर में कितना आएगा एक बार ट्राई कर लेंगे हम. बट रेंज इज ड्रॉपिंग सुपर फास्ट मैन. उसके साथ द हैंडलिंग कंफर्ट इज आल्सो क्वाइट गुड इन स्कूटर, मतलब द एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन एंड द हैंडलिंग एवरीथिंग, दिस हैंडलिंग पार्ट एज राइडर फील्स वेरी कंफर्टेबल. मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय फेवरेट फीचर, ब्रेक लगाने पे एक्सेलरेटर कट ऑफ नहीं होगा लाइक इन ओला फॉर एग्जांपल. एक्सेलरेटर पकड़ के भी हम ब्रेक लगा सकते हैं एंड स्टिल द एक्सेलरेटर विल वर्क. अभी हम खाली हाईवे पे पहुंच गए हैं. इको मोड में तो 44-45 बहुत मुश्किल से जा रहा है. टॉप स्पीड तक एक्सेलरेट करके ट्राई करें. रेडी, लेट्स ट्राई इन राइड मोड नाउ. रेडी इन 3, 2, 1. 50-55, 60-62, 63-65, 70. ओके, एक्सेलरेशन काफी डिसेंट है, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट क्वाइट डिसेंट एक्सेलरेशन. 70 तक जा रहे, इनफैक्ट अभी 70 टच नहीं हुआ, 69. कम ऑन मैन, 70, 70, 70, come on. नहीं, बिल्कुल जा ही नहीं रहा. आई थिंक हमें अब स्पोर्ट्स मोड ट्राई करने के वक्त आ गया फॉर द बेस्ट एक्सेलरेशन. रेडी, यस, 60, 65, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Amazing, amazing. इस स्कूटर में I think 80 is the maximum speed as per specification. See, हमको 85 मिला है आज. Let's go to normal mode.
हमको 85 kmph ऑफ टॉप स्पीड मिला है। एक्सेलरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब नॉट द बेस्ट ऑफ द एक्सेलरेशन, आपको एथर वार्प और वार्प प्लस जैसा या फिर ओला में हाइपर मोड जैसा दैट एड्रेनालिन रश देने वाला दैट मजा आने वाला एक्सेलरेशन नहीं है। आई लाइक इट बिकॉज दिस इज मेंट टू बी अ फैमिली स्कूटर विद अ गुड बूट स्पेस, ऑल द कंट्रोल्स एंड स्कूटर का डिजाइन भी वैसा ही है कि ये स्पोर्टी लुक नहीं है एंड दिस इज मोर लाइक अ यूटिलिटी व्हीकल और अ फैमिली स्कूटर। उसके हिसाब से देखें तो द सॉफ्टर एक्सेलरेशन इज क्वाइट गुड वन एंड बाय द वे इसमें क्रूज कंट्रोल भी है। क्रूज कंट्रोल लगाना भी बहुत ईजी है इसमें, बस देयर आर टू स्टेप प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इन ओला देयर इज ओनली वन स्टेप, आप एनी स्पीड में जाओ क्रूज कंट्रोल वाला बटन को प्रेस करने में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें देयर इज वन मोर लेयर ऑफ सेफ्टी जहां पर दिस इज अ क्रूज कंट्रोल वाला बटन, एनी स्पीड में जाकर इसको प्रेस करो, मतलब एनी स्पीड मतलब अबाउट 25 और 30 kmph के बाद द मोमेंट यू प्रेस इट यहां पर एक ऑरेंज कलर एक लाइट आता है इंडिकेटिंग दैट क्रूज कंट्रोल इज रेडी टू बी एक्टिवेटेड। एक्टिवेट नहीं हुआ, इट इज रेडी नाउ। नाउ एक्टिवेट करने के लिए पिक अ स्पीड, एनी स्पीड पिक करके द नीचे वाला बटन उसको प्रेस करना है, देन इट टर्न्स टू ग्रीन कलर, देन द क्रूज कंट्रोल इज एक्टिवेटेड। नाउ इट इज एक्टिवेटेड। अब इसको डीएक्टिवेट करना है तो यू कैन ईदर एक्सेलरेट और यू कैन रीजनरेट, दोनों केसेस में द क्रूज कंट्रोल विल कट ऑफ, देन इट विल गो बैक टू द एल्डो स्टेट, अगेन इट इज रेडी टू बी एक्टिव। अब फिर से यू पिक अ स्पीड एंड देन यू प्रेस द स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल इज एक्टिवेटेड। इस स्कूटर का क्रूज कंट्रोल मुझे बहुत पसंद है बिकॉज क्रूज कंट्रोल में जाने के बाद देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पर हमको लग सकता है कि हम शायद थोड़ा स्लो है या फिर थोड़ा फास्ट है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड इन क्रूज, ऊपर वाला बटन को प्रेस करें इट इंक्रीजेस बाई 2 kmph धीरे धीरे, एंड देन इफ यू वांट टू स्लो डाउन नीचे वाला बटन को प्रेस करें इट स्लोस डाउन द क्रूज कंट्रोल बाई 2 kmph। दिस इज वेरी वेरी गुड फीचर फॉर द फाइन ट्यूनिंग ऑफ क्रूज कंट्रोल जो बहुत वैल्यू एड करेगा स्टेप ऑफ हाईवेज में। सो वी विल गो टू द टॉप स्पीड इन इको मोड 45 kmph, इसी में क्रूज करेंगे। लेट्स ट्राई अगर फिर से करें तो क्या होगा, 46 तक गया है, फिर से करें, नो इट इज नॉट वर्किंग नाउ, 46 इज द मैक्सिमम स्पीड इन इको मोड सो फार। Everything about this scooter is soft. This is probably one of the softest scooter. उसका मतलब क्या है अब धीरे धीरे बताऊंगा। So far हमने 50% of charge खर्चा किया, 50% के बाद half rate review तो बनता है ना। So far हमने 43 kilometers चलाया। At this rate हमको 86 kilometers of range ही आ सकता है, लेकिन dashboard अभी भी confidently बोल रहा है कि 60 और kilometers आ सकता है, making it to 100 kilometers. मुझे तो उतना trust नहीं आ रहा। उसके बाद हम स्कूटर का performance के बारे में बात करना चाहिए। Very soft acceleration है, very smooth acceleration है। Eco mode ही नहीं, Eco mode, ride mode, sports mode तीनों में very soft acceleration है। मतलब उससे ज्यादा काम नहीं है, आपको फ्रंट ब्रेक के ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ट्रैफिक जाम से, पर्टिकुलरली जब आपको रोक रोक के जाना पड़ेगा। फ्रंट ब्रेक इज योर फ्रेंड। हाईवे में भी रेयर ब्रेक शायद थोड़ा सा स्लो करने के लिए फ्रॉम 70-80 से प्रॉब्ली 50 एंड 40 तक आराम से स्लो करने के लिए ठीक है, लेकिन रेयर ब्रेक को ठीक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसका सीट्स, हमने सो फार क्लोज टू 1.5-2 आवर्स इस स्कूटर को चलाया एंड इट वाज वेरी कंफर्टेबल राइड, बैक फटा नहीं, बोथ फॉर मी एंड फॉर द पिलियन द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्पेशियस पर्टिकुलरली फॉर अ राइडर। द फ्रंट पार्ट इज सो स्पेशियस, आपको एक्स्ट्रा आगे लगेज भी रखें, देयर विल बी एनफ लेग रूम एंड सीट्स पे बैठने के लिए भी काफी सॉफ्ट है बिकॉज द सीट्स आर नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, बीच में एक सॉफ्ट वाला पोर्शन है। उसके साथ स्कूटर का सस्पेंशन भी सॉफ्ट है, उससे बस एक प्रॉब्लम है कि जब भी रोड ऊपर नीचे को होगा ऑन ए फ्लाईओवर और स्पीड ब्रेकर थोड़ा स्पीड चलाएं तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे जंप करना जैसा फील होगा, लेकिन थोड़ा स्लो करें ना स्कूटर को इट विल बी वेरी सॉफ्टर राइड। लेकिन इसमें इश्यूज भी है। सबसे पहला इसका बिल्ड क्वालिटी नॉट टू स्ट्रॉन्ग, वेरी हॉलो बॉडी है, आपको चलाते हो यू कैन लिटरली फील कि यू आर राइडिंग हॉलो स्कूटर। उसके साथ इसका हैंडल बटन्स आई वॉज वेरी हैप्पी कि इसमें ओला के जैसे दैट सॉफ्ट स्क्विशी बटन्स नहीं दिया, दिस आर एक्चुअल बटन्स, बट प्रॉब्लम यह है कि ना कि ये काम नहीं करेगा, दिस आर नॉट रिस्पॉन्सिव, आपको एक दो बार प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस करने के बाद भी कॉन्फिडेंट प्रेस नहीं मिलेगा, दिस कैन बी डन बेटर। दिस बिल्ड क्वालिटी एंड द हैंडल बटन्स कैन इजीली ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू व्हाइल राइडिंग, ठीक करना है इसको। नाउ दिस इज अ डे वन ऑफ माय 30 डे चैलेंज ऑफ राइडिंग हीरो विडा V1 प्रो फॉर माय डेली यूज। डे वन में ही इतना पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमको पता चला, आगे जाके इसको हर रोज चलाते चलाते बहुत सारा वीडियोस आएगा इन स्पोर्ट्स मोड, इन राइड मोड एंड हिल क्लाइंब टेस्ट, स्कूटर का लिमिट टेस्ट करना, सारा वीडियोस जब बनेगा आई विल पोस्ट दैट इन द पिंड कमेंट। लेकिन आज इको मोड में पिलियन के साथ फर्स्ट 50% वी गॉट अ रेंज ऑफ 43 किलोमीटर्स, अब वापस हमको जाने के लिए भी 43 किलोमीटर्स ऑफ रेंज चाहिए, हम पहुंच सकते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं हो रहा भरोसा, रेंज बहुत जल्दी गिर रहा है, अब चला के देख लें।
रेंज अपडेट, अभी हमारे पास दोनों बैटरीज में 30% ऑफ चार्ज बचा है एंड सो फार हमने 62.3 किलोमीटर चलाया। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 32 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता है। एट दिस रेट मुझे लग रहा है कि शायद 85 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है, बट लेट्स सी। अभी हम सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। थ्रू आउट द हाईवे हम 44-45 में ही क्रूज किया हमने। अब इनसाइड द सिटी आए हैं, यहाँ पर लेट्स सी हम कितने रेंज ला सकते हैं। इसका साइड मिरर्स आर काफी डिसेंट, मतलब नॉट द बेस्ट आई वुड से एंड बिकॉज ऑफ द शेप ये उतना बेस्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज जिस कर्व से यहाँ पर यू फील कि सम इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग यहाँ पर, उसके बदले बॉक्सी साइड मिरर वुड हैव बीन मच बेटर थिंग। और लेकिन एजर 50X के जैसे यहाँ पर एक्सटेंशन आना चाहिए जो पास वाला गाड़ी कहाँ पे आ रहा है वो दिखाता है। आई मीन टू बी वेरी हॉनेस्ट, द एंटायर स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। मतलब जब मैंने टेस्ट राइड किया था इट फेल्ट क्वाइट गुड, इट फेल्ट क्वाइट डिसेंट, लेकिन अब चलाते वक्त इट फील्स वेरी ब्रिटल बॉडी लग रहा है, कॉन्फिडेंट राइड नहीं मिल रहा है। लेकिन एजर और इन एजर एपेक्स और इन चेतक फॉर एग्जाम्पल, डैशबोर्ड इज द ओनली थिंग जो मुझे बहुत सॉरी लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर अभी आपको देखने के लिए लग रहा है कि बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इट इज एक्चुअली क्वाइट वेल सेग्रीगेटेड। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन इज पूरा स्पीडोमीटर, रेंज एंड द पावर एंड रीजनरेशन। लेफ्ट साइड आपको चाहे तो यू कैन कस्टमाइज, मैंने ट्रिप इन्फॉर्मेशन रखा है टू चेक रेंज कितना आ रहा है। यू कैन ऑल्सो पुट योर डेट एंड टाइम, यू कैन ऑल्सो पुट योर नेविगेशन और यू कैन पुट द ट्रिप इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने किया है। द ओनली कंसर्न इज विद द ब्रेक्स, ब्रेक्स आर वेरी पुअर, पर्टिकुलरली द रियर ब्रेक्स जो ड्रम ब्रेक्स है दे आर वेरी वेरी पुअर, मच लाइक टीवीएस आईक्यूब जहां पर आपको ब्रेक से ज्यादा वैल्यू एड नहीं होगा, यू टेंड टू प्रेफर द फ्रंट ब्रेक। इसमें भी वही है, फ्रंट ब्रेक इज ओनली ब्रेक दैट गिव्स यू एनफ स्टॉपिंग फोर्स स्कूटर में, रियर ब्रेक इज मेयरली जस्ट गाड़ी को थोड़ा स्लो करने के लिए काम आएगा बस। अब यहाँ पर इसका कोस्टिंग रीजनरेशन ट्राई करेंगे, एक्सीलेटर को छोड़ दिया, इट इज नॉट रीजनरेटिंग अभी, थोड़ा मैनुअल रीजनरेशन देते हैं, अब रीजनरेट हो रहा है, थोड़ा फिर से एक्सीलेटर देते हैं। Now again it is regenerating. I am not sure if this is the feature of Hero Vida V1 Pro. आप में किसी के पास स्कूटर है एंड आपको पता है तो आप जरा नीचे कमेंट्स में शेयर कर लेना। रेंज अपडेट, सो फार हमने 71 किलोमीटर चलाया, 20% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड दिखा रहा है 21 किलोमीटर और आ सकता है, मेकिंग इट टू अ टोटल ऑफ 91 किलोमीटर। लेट्स सी नाउ द राइड विल गेट रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज कम चार्ज में रेंज यूजुअली बहुत जल्दी गिर जाने का चांसेस बहुत है, जैसे ओला में भी हुआ है। अब स्कूटर का हाल क्या है आज पता चल जाएगा। यहाँ से घर कम से कम 25-30 किलोमीटर के दूर होगा, अभी वी हैव 20% ऑफ चार्ज। मुझे तो भरोसा नहीं है सो फार कि इतना रेंज आएगा, 21 किलोमीटर और आएगा इतना अब तो मुझे अब भरोसा नहीं है। अभी सारा रेंज वाले बात हम बगल में रखते हैं, जस्ट द राइडिंग एक्सपीरियंस, जस्ट प्योरली द राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत मजेदार है। I'm just loving the ride. मतलब the seat comfort is very good. यहाँ पर लेग रूम इज रियली रियली गुड। हमने सो फार 2.5-3 आवर्स हमने चलाया एंड अभी तक कोई थकावट है नहीं, आई एम जस्ट एंजॉयिंग द राइड। रेंज अपडेट, लास्ट 12% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड बता रहा है कि 14 किलोमीटर और आ सकता है, यहाँ से घर 13-14 किलोमीटर के दूर में ही है, लेकिन रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है, सो आई डोंट थिंक 14 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। अगर आ गया तो हम घर पहुंचेंगे, नहीं आया तो सड़क पे ही रुकेंगे। यहाँ पर 18% ऑफ चार्ज के टाइम से ही यहाँ पर डैशबोर्ड पे अलर्ट आ चुका है, फ्रंट एंड रेयर बैटरी का चार्ज कम है। इस स्कूटर का इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि बिकॉज ये दो रिमूवेबल बैटरी से काम करता है, अगर एक बैटरी निकालें एक ही बैटरी से भी गाड़ी चल सकता है एंड रेंज एनीवे आधा मिलेगा बिकॉज ओनली वन बैटरी है। दोनों बैटरीज कंबाइंड आईडीसी रेंज इज 165 किलोमीटर ऑन द स्कूटर। इस स्कूटर का चार्ज एंड डिस्चार्ज भी वेरी इंटरेस्टिंग है, इसमें जब आप चलाते हो दोनों बैटरीज का बराबर बराबर चार्ज गिरता आएगा, 1% एक बैटरी में गिरेगा, उसके बाद इस बैटरी को रोक के सेकेंड बैटरी से 1% गिरेगा एंड फिर यहाँ 1% एंड फिर यहाँ 1%, ऐसे दोनों बैलेंस में गिरता आएगा, मेकिंग श्योर एट एवरी पॉइंट चार्ज दोनों में 1% का फर्क या फिर बराबर ही हो। रेंज अभी अभी दिखा रहा था कि 9% ऑफ चार्ज बचा है एंड 11 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है, अचानक से इट फेल डाउन टू 9% एंड 9 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट। रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है, आई डोंट थिंक हम घर पहुंच जाएंगे यहाँ से। अरे स्कूटर अब इको मोड से लिंप मोड को चला गया, अभी अभी जस्ट अभी दिखा रहा था 4% ऑफ चार्ज बचा है, 7 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है, लेकिन अचानक से इट फेल डाउन टू 4% ऑफ चार्ज एंड ओनली 2 किलोमीटर एंड अब ड्राइविंग मोड लिंप मोड को चला गया, जो बहुत धीरे है। इसका मैक्सिमम स्पीड इज समवेयर अराउंड 9 kmph एंड 10 kmph है, वेरी ह्यूज रेंज ड्रॉप है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम हीरो वीडा। यहाँ से द प्रॉब्लम इज, यहाँ से सम 2 किलोमीटर के आसपास एक फास्ट चार्जर है, लेकिन उस चार्जर लास्ट 2-3 वीक से काम नहीं कर रहा है, उसके बाद वाला एथर फास्ट चार्जर इज समवेयर 6 किलोमीटर अवे, सो नाउ दैट फास्ट चार्जर इज कम्प्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन, हम पहुंच नहीं पाएंगे। इन दोनों के बीच में समवेयर 2-2.5 किलोमीटर के दूर में एक इलेक्ट्रिक पे का 3-पिन सॉकेट चार्जर है, वहां पर जाके हमको चार्जिंग करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब भरोसा भी नहीं हो रहा कि क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है एंड स्पीड भी बहुत धीरे है।
हाँ सी दिस इज द फास्ट चार्जर ऑफ इथर, ये काम नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा हो तो ग्रीन लाइट ब्लिंक होना चाहिए। इनफैक्ट इस चार्जर से हम लास्ट 2-3 वीक से यहाँ पर काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट मैंने एक इथर कस्टमर से बात किया, उन्होंने अपने घर का पार्किंग में फास्ट चार्जर को लगवाया, जो बहुत लोग आकर वहाँ पे चार्जिंग रख सकते हैं, एंड ही इज मेकिंग सम रेवेन्यू आउट ऑफ दैट फास्ट चार्जर। एंड ही सेड दैट जब भी फास्ट चार्जर से कोई इशू हो जाता है, इट टेक्स एटलीस्ट 3 वीक्स टू 1 मंथ टू गेट इट फिक्स्ड। आई थिंक अगर इथर, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई थिंक दिस हैज टू बी फिक्स्ड मैन। नाउ वी आर डाउन लास्ट 1 किलोमीटर ऑफ रेंज, तो अब दिस फास्ट charger is not working and the next ether fast charger is far away, so the only option is electric pay ka charging socket jo yahan se 1 kilometer ki dur mein hai. Range bhi 1 kilometer hi bacha hai, but I don't think hum pahunch payenge. Let's see. अब चार्ज पूरा खत्म, गाड़ी रुक गया। इनफैक्ट यहाँ पर दिखा रहा है कि 0% ऑफ चार्ज बचा है एंड 1 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है अभी भी, बट द चार्ज खत्म। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक पे चार्जर इज समवेयर अराउंड 850 टू 900 मीटर्स अवे, हमको पैदल ले जाना पड़ेगा। एंड रास्ते में थोड़ा स्लोपी रोड भी है ऊपर को, बट वेरी ऑनेस्टली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया यार फ्रॉम हीरो विडा। मतलब आई थॉट कि ओला S1 प्रो S1 एयर में ही रेंज ड्रॉप होता है एंड इट इज नॉट दैट ट्रस्टवर्थी रेंज एस्टिमेट जब चार्ज कम होता है, वॉज माई अंडरस्टैंडिंग। बट हीरो विडा इज सुपर सुपर पर ह्यूज रेंज ड्रॉप, इतना मतलब इट इज अ पॉइंट ऑफ ट्रस्ट नाउ। द रेंज एस्टिमेट हैज टू बी ट्रस्टवर्थी, सम 10-15% ऑफ फर्क लेकिन ओला इज फाइन, वो कंसिस्टेंटली उतना ही फर्क है। इसमें द रेंज ड्रॉप इज सुपर ह्यूज, अचानक से 7 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक गिरना, दिस इज वेरी बैड। अरे यहाँ पर बोल्ट चार्जर भी काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक पे चार्जर भी काम नहीं कर रहा है, एंड चार्ज एकदम जीरो है। फॉर्चुनेटली हमारे पास एक रिमूवेबल बैटरी है, यहाँ पास में कोई शॉप में जाके हम बात करेंगे, इफ दे आर ओके हम वहाँ पर एटलीस्ट चार्जिंग रख सकते हैं। So finally the 100% to 0% of range test in Eco Mode on Hero Veda V1 Pro with Pillion. Abhi finally abhi khatam ho chuka hai. Ye hamara battery hai. Throughout the ride range drop bahut zyada tha. In fact the range estimate on the dashboard was very fluctuating. Throughout the ride हमने Eco Mode का top speed which is 44, 45, 46 kmph speed में हम चला रहे थे on highway and inside the city also. शुरुआत से ही रेंज ड्रॉप वॉज इमेंस। जब स्टार्ट किया था 100% ऑफ चार्ज दिखा रहा था कि 114 किलोमीटर ऑफ रेंज पॉसिबल है। उसके बाद धीरे धीरे चार्ज गिरते गिरते रेंज एस्टिमेट फेल डाउन फ्रॉम 114 टू 100 एंड देन इट फेल डाउन टू 95 आल्सो। इन द एंड जब हम 4% ऑफ चार्ज में थे, डैशबोर्ड देख रहा था कि 7 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है, तो हमने प्लान किया कि पास में एक फास्ट चार्जर के पास हम जा सकते हैं, एथर का फास्ट चार्जर, यू नो एडवांटेज ऑफ हैविंग सेम चार्ज पोर्ट। लेकिन अचानक से 4% ऑफ चार्ज एंड 7 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट, अचानक से इट फेल डाउन टू लिंप मोड फ्रॉम इको मोड। सेम 4% ऑफ चार्ज, 2 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट, टॉप स्पीड इन लिंप मोड इज ओनली 10 kmph। उसमें भी हम चला रहे थे, 1 किलोमीटर के दूर में गाड़ी रुक गया। जो फास्ट चार्जर था वहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है, एथर फास्ट चार्जर जो काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक पे चार्जर काम नहीं कर रहा है, बोल्ट चार्जर काम नहीं कर रहा है। फॉर्चुनेटली आफ्टर 1 किलोमीटर ऑफ वॉकिंग द स्कूटर, एक चाय शॉप में हमको यहाँ पर बैटरी निकाल के चार्जिंग रखने को दिया। इट्स ऑलरेडी लाइक 1/2 आवर एंड हार्डली 5-6% ऑफ चार्ज हुआ है। आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर अनदर 1/2 आवर और 1 आवर टू गेट अ रीजनेबल रेंज, ताकि हम दूसरे फास्ट चार्जर के पास जाकर चार्जिंग करें। इतना सारा करने के बाद वी गॉट अ रेंज ऑफ ओनली 91 किलोमीटर विथ पिलियन इन इको मोड इन हीरो वेडा V1 Pro। जब डैशबोर्ड देखा रहा था कि फुल चार्ज 114 किलोमीटर ऑफ रेंज पॉसिबल है, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड फ्रॉम हीरो वेडा। आई एक्सपेक्टेड कि एक्यूरेट ना हो, एटलीस्ट 2-3% ऑफ वेरिएशन में होगा, बट इतना वेरिएशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। अब मैं नेक्स्ट वीकेंड में कौन से स्कूटर में रेंज टेस्ट करूँ, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।